नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद दुनिया भर में हंगामा हो रहा है। खासतौर पर मुस्लिम देश और मुस्लिम समुदाय के लोग मैक्रों का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत में फ्रांस का और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जमकर विरोध हो रहा है। भोपाल में हजारों की संख्या में लोग इकबाल मैदान में इकट्ठा हुए और जमकर विरोध किया। दिन शुक्रवार 2020। इस दिन फ्रांस में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को दहला कर रख दिया। हुआ ये कि एक शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया और उसके बाद 18 साल के एक युवक ने स्कूल के बाहर शिक्षक की हत्या कर दी। उसके बाद दुनिया भर में इस मामले ने तूल पकड़ ली। वहीं इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जमकर समर्थन किया था और शिक्षक पैटी को श्रद्धांजलि देने के दौरान इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को नहीं रोकेगा और फ्रांस का भविष्य कभी इस्लामवादियों के पास नहीं होगा। उसके ठीक बाद दुनिया भर में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया और जमकर मैक्रों का विरोध हुआ। कहीं मैक्रों का पुतला जलाया गया तो कहीं मैक्रों के कार्टून बनाकर सड़कों पर चिपका दिया गया और उस पर लोगों ने पैर रखकर विरोध किया। विरोध की आग जैसे ही भारत पहुंची तो हंगामा और बढ़ गया। भोपाल, मुंबई, कई शहरों में मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बता दें कि भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इकबाल मैदान में हजारों लोग जुट गए और मैक्रों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों के हाथों में तख्तियां थी और लोग नारे लगा रहे थे। दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर कई देशों ने फ्रांस का समर्थन भी किया तो कई देश फ्रांस का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों ने कार्टून पर विवाद बढ़ने पर एक ट्वीट कर कहा कि हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे, हम सभी तरह के मतभेदों का सम्मान करते हैं, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तार्किक बहस को संरक्षण देंगे और हमेशा मानवीय मूल्यों की तरफ खड़े होंगे।